ton lele, Lumi Malani. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वत्स और आप देख रहे हैं क्रिस्टल कार्स। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कार आर्मरेस्ट का कंपैरिजन। आपके पास दो ऑप्शन नॉर्मली अवेलेबल होते हैं अगर आप किसी बेस्ट की बात करो तो, जिसके अंदर पहला होता है ये, जिसको आप इंपोर्टेड टाइप बोलते हो, और दूसरा ऑप्शन होता है ये, जिसको वुडन वाला बोलते हैं, लकड़ी वाला आर्मरेस्ट। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। एक्चुअली दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, लेकिन फिर भी आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। लगा के भी दिखाएंगे गाड़ी के अंदर कि लगने के बाद दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, और बिना लगे इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो प्लस पॉइंट इंडियन प्रोडक्ट होता है, पूरा का पूरा यहीं बनता है। और अगर इसकी बात करें तो ये इम्पोर्टेड है, ज़्यादातर चाइनीज़ ही होते हैं अभी तक जो चलते हैं। मज़बूत बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो ये देखिए। और लगाने के लिए हर मॉडल का आपका प्रॉपर होता है, किसी भी गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं लगता है, हर गाड़ी का बिल्कुल अलग होगा। लेकिन ये प्योर इंडियन है, ये लगभग चाइनीज़ है। कुछ प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे ही बनते होंगे, नहीं तो नॉर्मली ये 90% चाइनीज़ ही होता है। ये वाला इसको इम्पोर्टेड आर्मरेस्ट बोलते हैं, इसको वुडन आर्मरेस्ट बोलते हैं। अब दिखाते हैं आपको एक डिफरेंस। ये वाली जो चीज़ है देखने के अंदर बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर वीडियो चाहिए तो इसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वैसे बेनिफिट इसके, एक लुक इसका थोड़ा सा अच्छा होता है, क्रोम फिनिशिंग इसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर आप ये देख सकते हो एस्ट्रे वगैरह इसके अंदर लगी होती है, और ये साइडों के अंदर भी क्रोम फिनिशिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे भी होती है। जो हैंडल है स्लाइडर होता है, ये देखिए, ये आप इसको ऐसे हाथ के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, ये स्लाइडर है, और ये इसमें सामान वगैरह रखने के लिए इतना स्पेस होता है। तो ये है इसके प्लस पॉइंट। अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो ये आवाज़ बहुत करता है, ऐसा कस्टमर्स बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये ऐसी चलते हुए इसकी नॉर्मली आवाज़ आने लग जाती है। और उसके अलावा तो बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में तो लुक वाइज बड़ा अच्छा होता है। अब बात करते हैं ऐसे आर्मरेस्ट की। इनके अंदर कारपेट यहाँ पे लगा होता है, दो कलर के अंदर आपको मिल जाता है, बेज प्लस ब्लैक, जैसा आपकी गाड़ी का इंटीरियर हो। ऊपर इसकी वही रैगजिन चढ़ी होती है जिससे सीट कवर बनते हैं, और पूरा मजबूत लकड़ का बना होता है ये। इसको आप खुद से बड़ी आसानी से लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगाने पड़ते हैं, जो थोड़ा सा मेहनत का काम है। और इसके अंदर अगर देखें तो आपको हर गाड़ी का अलग मिलेगा, हर मॉडल का अलग मिलेगा, इसका प्लस पॉइंट भी यही है। और आपको सिर्फ इसको रखना होता है, रखते ही ये फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये उसी हिसाब से कटिंग वगैरह इसकी ऑलरेडी बनी होती है कि ये कौन सी गाड़ी में अंदर लगना है। आपको अलग अलग गाड़ियों को दिखाते हैं कि डिफरेंस इसमें कितना आ जाता है। अगर आपको किसी भी गाड़ी के अंदर लगाना है, मतलब आपके पास अल्टो है, स्विफ्ट है, डिज़ायर है, या कोई और गाड़ी है, तो इम्पोर्टेड के अंदर आपके पास एक यही ऑप्शन होता है, आप ये किसी भी गाड़ी के अंदर लगा सकते हो। अगर आप ये नीचे का स्पेस देखें तो ये एडजस्ट होता है ये इस तरीके से, ये तो आप जितना इसका नीचे का कंसोल होगा गाड़ी का सेंटर कंसोल, ये उसके हिसाब से आपका फिट हो जाएगा ऐसे। और अगर इसकी बात करें तो ये हर मॉडल का अलग आएगा, आपको सारे मॉडल्स के अलग अलग दिखाते हैं कि कितना डिफरेंस हो सकता है इनके अंदर। देखिए ये है लेटेस्ट स्विफ्ट के लिए, जो अभी लेटेस्ट स्विफ्ट आ रही है उसके लिए ये है, लेटेस्ट डिज़ायर के लिए ये है, ये है ओल्ड वाली स्विफ्ट के लिए जो इससे पुरानी है। और इसके अंदर भी आप अगर देखें तो ये साइज़ में इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। अगर आप उसी के अंदर डिज़ायर की अगर बात करते हैं तो ये डिज़ायर है, ये देखिए ये सेम चीज़ हो गया है। लेकिन अगर आप ओल्ड डिज़ायर और लेटेस्ट स्विफ्ट के अंदर डिफरेंस देखें तो ये देखिए, इसमें साइज़ का डिफरेंस जब भी आ जाता है जैसे ही मॉडल चेंज होता है। ये है वैगनार के सीरीज़ का, 2010 से लेके और लेटेस्ट वैगनार आने तक जितने भी मॉडल हैं सब गाड़ियों के अंदर ये इकलौता ही लग जाएगा। और अगर आप स्विफ्ट से कंपैरिजन करें तो कितना डिफरेंस आ जाता है, अभी दिखाते हैं आपको वैगनार लेटेस्ट के लिए। ये लेटेस्ट वैगनार है, और ये आपका जो है ये वैगनार के सीरीज़ है, इसके अंदर बहुत डिफरेंस आ जाता है। वहीं अगर आप यूनिवर्सल की बात करो तो एक ही है, कुछ दूसरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका ओल्ड स्विफ्ट हो गया है, और ये हो गया है आपका टियागो और टिगोर। अभी आपको इसके अंदर लगा के भी दिखाएंगे टाइगोर के अंदर। ये आपका हो गया ओल्ड अल्टो, अल्टो के अंदर जो ये आपका ये लग जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका अल्टो 800, जो थोड़ा सा डिफरेंस इससे बड़ा है इस साइज़ में थोड़ा सा। और उसके बाद आप अगर लेटेस्ट सेंट्रो, हुंडई सेंट्रो, उसके लिए आपका ये हो गया, देखिए कितना बड़ा हो गया अगर आप इससे कंपेरिजन करो तो। हो गया आपका सिलेरियो, जो आपका इससे थोड़ा सा प्लस हो गया है आपका एटेगा, ये इनसे और बड़ा है साइज के अंदर। इसके अंदर बलिनो, तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, ये है स्विफ्ट, ये है बलिनो,
ये है वैगनार लेटेस्ट, ये है वैगनार के सीरीज और ये है लेटेस्ट वैगनार। आप साइज का डिफरेंस देख सकते हो, हर एक के अंदर जैसे जैसे गाड़ियां मॉडल चेंज होते हैं तो इनके अंदर चेंज आ ही जाता है। और अगर बात करें यूनिवर्सल की तो ये वही है, लेकिन अगर बात मजबूती वाली हो तो ये बेस्ट है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन से वाला पसंद है, इंडियन चाहिए या इम्पोर्टेड चाहिए, तो आपको दोनों तरह की वैरायटी आसानी से मार्केट के अंदर या ऑनलाइन के अंदर मिल जाएगी। आपको इसको एक बार गाड़ी में लगा के दिखाते हैं कि गाड़ी में लगने के बाद इसका ओवरऑल लुक कैसा आता है दोनों का, ऐसे का और ऐसे का। अभी हम दिखाते हैं इसको टिगोर के अंदर लगा के, टिगोर की प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर किसी और गाड़ी के लिए आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़्यादातर हमारे पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है कार आर्मरेस्ट के नाम से और डिटेल के अंदर वीडियो भी हैं लगभग, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए गाड़ी में रख के दिखाते हैं आपको एक बार कि दोनों के लुक में क्या डिफरेंस आता है। ये है टिगोर का सेंटर कंसोल, ये टिगोर और टियागो दोनों के अंदर एक ही होता है क्योंकि गाड़ी में सिर्फ डिक्की का डिफरेंस है। और ये इसके ऊपर हम अभी लगाने वाले हैं यहाँ पे आपका वुडन आर्मरेस्ट, तो ये है वुडन आर्मरेस्ट इसका जो आप अभी देख ही चुके हो। ये वाला आर्मरेस्ट इसके ऊपर लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। और आपका हैंड ब्रेक अगर आप देखें तो यहाँ से निकल आएगा क्योंकि ये बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया गया है। यहाँ आप इसमें सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हैं और हैंड ब्रेक यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल ही रहेगा और ये इसका ओवरऑल लुक आता है। बाकी आप इसको गाड़ी में सिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा आगे या पीछे जैसा आपको ठीक लगे। ये टियागो और टाइगोर के लिए कॉमन होता है क्योंकि दोनों गाड़ियों में सिर्फ डिक्की का ही डिफरेंस है और ओवरऑल लगने के बाद कुछ ऐसा लगता है। ये आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है, कोई परचेज इंक्वायरी है या आपका कोई सजेशन है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये ओवरऑल कैसा लग रहा है। क्या आपने देखा इसके अंदर वुडन आर्मरेस्ट लगने के बाद कैसा लगता है, और अब आपको दिखाते हैं ये इम्पोर्टेड टाइप वाला लगा के कैसा लगता है। लगाने के अंदर इन तीनों चीज़ों को जोड़ना पड़ता है जिसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इसका बेस बन जाता है ये ऐसे, तो इसकी चौड़ाई आप इस हिसाब से सेंटर कंसोल के हिसाब से रख सकते हो कि आपका सेंटर कंसोल इसमें कितना चौड़ा है। और आपको इसमें ऐसे सिर्फ रखना है इसके ऊपर, इन छेद में आपको यहाँ से चाइना नट वगैरह लगा देने हैं जिसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। आपको लगा के दिखाते हैं एक बार कि क्या प्रोसेस है। आपको इसको खोल लेना है थोड़ा सा ऐसे, ये आर्मरेस्ट हमने इसके अंदर लगा दिया है, मतलब अभी रख दिया है। और अगर आप देख पाए तो यहाँ पे इसके अंदर नट वगैरह लगेंगे और पीछे की साइड से इसका ओवरऑल लुक टियागो टाइगोर के अंदर ही आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपकी गाड़ी के हिसाब से इसमें आ सकता है। ऊपर से अगर आप देखें तो इसका लुक कुछ इस तरह का होगा। और आपको आगे से और दिखाते हैं इसको यूज़ करके एक बार। तो ये टैगोर के अंदर हमने इसके अंदर ये लगा दिया है इम्पोर्टेड टाइप का आर्मरेस्ट और ओवरऑल आप देख सकते हो ये कैसा लगता है। ये आगे स्लाइड हो जाता है कुछ ऐसे यूँ, अभी इसमें नट नहीं लगे हैं इसलिए। और ये यहाँ इसमें सामान वगैरह रखने के लिए है ऐसे, और यहाँ आपका ग्लास स्टैंड बन जाता है और एस्ट्रे इसके अंदर आ जाती है। और बाकी यूज़ करना तो आसान है, बाकी सब तो वैसा ही है जैसा उसके अंदर होता है। ये बस माइनस पॉइंट इसका थोड़ा सा यही रहता है, आप देख रहे हो तो प्लास्टिक होता है थोड़ी सी, इसमें से ऐसा कस्टमर की शिकायत आती है कि इसमें थोड़ी आवाज़ रहती है। बाकी ओवरऑल तो आप देख ही सकते हैं कि ये अच्छा ही लग रहा है।